हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिनाटूब प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पे। मैं रोहित आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, ओ लेवल की क्लास चल रही है ऑनलाइन, और उस ऑनलाइन क्लास में मैं आपका फर्स्ट पेपर बिजनेस सिस्टम का ले रहा हूँ। और हम लोगों ने लेक्चर 16 समाप्त किया था। लेक्चर 17 कंटिन्यू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अधिक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। और लेक्चर 16 में नंबर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था, मतलब एक पार्ट पढ़ा था उसका, एनी डेसिमल टू एनी नंबर कन्वर्जन। वहाँ पे आप लोगों ने देखा था, वहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, सॉरी डिवाइड कर रहे थे। आज हम लोग लेक्चर 17 में क्या देखेंगे, एनी नंबर टू डेसिमल। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, कैसे होगा वो देखते हैं। मान लो हमारे पास नंबर है ए बी सी पॉइंट डी वी। अब ये नंबर कैसा नंबर है, ऑक्टल है कि बाइनरी है, क्या है, इस नंबर की पहचान क्या होगी, उसके बेस वैल्यूज होगी। मैंने यहाँ 2 लिख दिया तो ये बाइनरी है, मैं यहाँ 8 लिख दूंगा तो ये ऑक्टल होगा, मैं यहाँ 16 लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, हेक्साडेसिमल हो जाएगा। तो मैंने यहाँ 2 लिखा है तो ये बाइनरी हो गया। चलो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में करना है। तो मैंने बताया मल्टीप्लाई कैसे होगा। इसमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, किसी भी नंबर को डेसिमल में करने से पहले आपको जो नंबर करना है उसका उसका आपको बेस जो कि दिया रहेगा या लिखा रहेगा, और उसकी प्लेस वैल्यू कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पे दो फैक्टर हैं, एक पॉजिटिव फैक्टर है, एक नेगेटिव फैक्टर है। ठीक, तो पॉजिटिव फैक्टर में प्लेस वैल्यू कैसे चलेगी, इधर चलेगी 0, 1, 2। और नेगेटिव कैसे चलेगी, इधर चलेगी -1, -2। ठीक, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव निकालते हैं, सी से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जीरो है, तो सी गुणे 2। 2 क्या है, बेस है की पावर 0 प्लस, ये बी उतरेगा, बी इनटू 2 की पावर 1। ठीक है, क्योंकि 1 है प्लस, फिर ए उठेगा ए इंटू 2 की पावर 2। ठीक, तो ये पॉजिटिव वाला होगा। नेगेटिव कैसे होगा, ई इंटू 2 की पावर -2 प्लस डी इंटू 2 की पावर -1। ठीक, इसको जब सॉल्व कर लेंगे, इसको जो एक्सप्रेस इस एक्सप्रेशन को जब वो कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही क्या होगा, हमारा डेसिमल होगा। ठीक, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, खटाक से मिटाते हैं जल्दी से। तो हमारे पास एग्जांपल है 1100। इसको करना है डेसिमल में। ठीक, आपको इसका दिया एग्जाम में कहेगा डेसिमल कन्वर्ट करो, सिंपल एकदम। सबसे पहले आप इसकी बेस वैल्यू लिख तुरंत मिटा लीजिए, 0, 1, 2, 3। बेस वैल्यू पता चल गई, सॉरी प्लेस वाली पता चल गई, बेस से पता, बेस हमें 2 है। सिंपल 0 स्टार्ट करेंगे, 0 की पावर 0। ठीक है, प्लस 0 की पावर 1 प्लस 1 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2 2 की पावर 3। ठीक, पहले क्या रखेंगे, बेस वैल्यू, फिर प्लेस वैल्यू, बेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, बेस वैल्यू प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। ठीक, रख दिया, सॉल्व कर लो, 0 × 2 की पावर 0 कितना, 0 प्लस 0 × 2 की पावर 1 0 प्लस 2 की पावर 1 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस 2 की पावर 2 मतलब 4 प्लस 2 1 प्लस 2 की पावर 3 मतलब 2 × 4 = 8 प्लस 8 तो 8 × 4 = 12। आंसर क्या आएगा, 12। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, 12। ठीक, यानी 1100 इज इक्विवेलेंट टू 12, 1100 इज इक्विवेलेंट टू 12। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं 110 किसके बराबर है, 12 के बराबर है। ठीक, तो एकदम सरल, एकदम ईजी है, कोई भी अगर नंबर देगा तो इसी तरह हमें करना होगा, डेसिमल बाइनरी टू डेसिमल। अब हमें मान लो पॉइंट वैल्यू मिल गई,
यहाँ पे मान लो हमने क्या किया, 0.01 कर दिया, ठीक। यहाँ इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2, 3, तो 3 इसकी क्या होगी, -1 और -2, ठीक। अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक निकाला ही था, अब क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, 1 × 2 की पावर -2 प्लस 0 × 2 की पावर -1, ठीक। तो 1 × 2 की पावर 2 मतलब 4/2, सॉरी 1 × 2 की पावर 2 मतलब 1/4 माइनस में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 प्लस 0 0 0 हो जाएगा। अब 1/4 में क्या आएगा, 1/4 मतलब 1/4 मतलब क्या होगा, 0.25, तो यहाँ पे क्या होगा, 0.25। जब 1/4 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 0.25 आएगा। तो आंसर क्या हुआ इसका, 12.25 × 1/10, ठीक है। तो जब माइनस में होगा तो क्या होगा, 1 × 2 की पावर -2 प्लस 0 × 2 की पावर -5 को सॉल्व कर लेंगे, ठीक। इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 1/4 आएगा, 1/4 जब सॉल्व करोगे 0.25 आएगा, और इसको कैसे लिखेंगे, 12 पॉजिटिव वाले का हो गया और 0.25, ठीक। एकदम ईजी है, आसानी से इसको आप कर सकते हैं। और एक शॉर्टकट बताता हूँ आप कैसे कर सकते हैं, 1, 2, 4, 8 ऐसे रख लीजिए, जीरो वाला मत जोड़िएगा, जो 1 वाले जोड़िए, 8 + 4 = 12 तुरंत आ जाएगा, ठीक। इस तरह आप कर सकते हैं, शॉर्टकट है आप, 1 जैसे यहाँ पे एक और होता, 1, 2, 4, 8, 8, 4, 12 कर देते, 2, 4, 2, 8, 1, 2, 4, 2, 8, 16 कर देते, ये 16 हो जाता, फिर सबको जोड़ देते वही आता। तो ये शॉर्टकट की बात है, बाकी आप इस तरह भी कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका ये होता है, आप जल्दी इसको प्लेस वैल्यू के द्वारा आसानी से कर सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब मान लो हमें क्या करना है, ऑक्टल से डेसिमल करना है, ऑक्टल से डेसिमल करने के लिए आपको मान लो ऑक्टल टू डेसिमल, 4 to D, ठीक। ये 12 है, 8 दिया है, इसको हमें डेसिमल में करना है, सिंपल 12 दिया ही है, तो ये 0 ये 1, ठीक। तो 2 × 8 की पावर 0 प्लस 1 × 8 की पावर 1, आंसर 8 पावर 0 मतलब 8 पावर 0 मतलब कितना हुआ, 0, 2 × 0 मतलब 2 प्लस 8 हो गया, 8 + 2 = 10, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो 10 होगा, ठीक 10 होगा। और एक बात बताते हैं, एक बात है, अगर आप लोअर बेस टू हाई बेस में कन्वर्ट करते हैं तो जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वो आंसर क्या होगा, डिक्रीज। आप क्या कर रहे हैं, लोअर बेस टू हायर बेस कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं 12 की जगह 10 आ गया, तो इससे आप ऑप्शन पकड़ सकते हैं कि लोअर बेस से हाई बेस में एक नंबर कन्वर्जन होगा तो जो करंट जो स्टैटिक डिजिट होगी उससे हमेशा कम होगा। तो आप देख रहे हैं 12 को जब मैंने डेसिमल में किया तो यहाँ 10 हो गया, और हायर बेस से लोअर बेस में कन्वर्ट करेंगे तो जो आंसर होगा वो इंक्रीज करेगा, लोअर बेस टू हायर बेस आंसर डिक्रीज, हायर बेस टू लोअर बेस आंसर इंक्रीज। आपके सामने एक ये एग्जांपल भी है, 12 को मैंने 10 में किया, मतलब ऑक्टल 12 को मैंने डेसिमल में किया, डेसिमल आंसर क्या आया, 10 आया, ठीक है।
ये हो गया। अब इसका पॉइंट वाला सेम उसी तरह है, मान लो हमारे पास वैल्यू है 12.10, ठीक 12.10 को हमें डेसिमल में करना है, ठीक है सिंपल, ये तो पता ही था 0, 1, -1, -2 सिंपल, 0 × 8 की पावर 1, ठीक। अब यहाँ इसका अलग कर लो, 1 है तो 0 × 8 की पावर -2 +1 × 8 की पावर -1, ठीक है 0 में 8 को 2 माइनस होगा तो 0 हो जाएगा, +1 × 8 की पावर -1 क्या होगा 1/8 हो जाएगा, 1/8 को जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 0.12 आएगा, 0.12 आएगा ना 1/8 मतलब 1/16, हाँ तो क्या आएगा 0.12, उसका वर्गमूल का 16 आ जाएगा 0.12, तो आंसर क्या होगा 10.12, ठीक। तो ये होगा आपका आंसर सिंपल, उसी तरह आप हेक्साडेसिमल भी कर सकते हो। ठीक एक्सेलरेशन करना है, मान लो दिया है 1f, इसको हमें डेसिमल में करना है सिंपल, तो f कैसे, f 01 है, f × 16 की पॉइंट जीरो प्लस 1 × 16 की पावर 1, ठीक f को क्या बोलते हैं इसमें, f मतलब 15, यहाँ क्या हो जाएगा 15 × 0 क्योंकि 16 में 0 हो जाएगा 15 × 0 × 15 +16, ठीक। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा, तो जब सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 6, 5, 11 ठीक 31, तो ये आंसर आपके क्या आएगा 31 आ गया, ठीक यहाँ पे क्या आ गया 31 आ गया, ठीक। तो ये हो गया हम लोग का, इसी तरह इसमें अगर आप वो करना चाहते हैं क्या कहते हैं पॉइंट वाली वैल्यू, मान लो 1f.10 डेसिमल करना चाहते हो सिंपल, 0 1 - 0 1 - 1 - 2 तो f × 16 की पावर 0 प्लस 1 × 16 की पावर 1 प्लस करके 1 है 0 × 16 की पावर -2 +1 × 16 की पावर -1, ठीक है 0 में 16 और 0 हो जाएगा +1/16 कितना होगा 0.10, ठीक है पॉइंट जीरो सिक्स 1/16 अगर करोगे एक का 16वां भाग क्या होगा 0.06 होगा, तो आंसर क्या आएगा इसको 15 कर लेंगे, 15 में 16 गुणा होगा 15 + 16 कितना हुआ 31, तो अलग 2 3 31.06, ये क्या होगा डेसिमल के इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने क्या पढ़ा, नंबर सिस्टम एनी नंबर टू डेसिमल, डेसिमल आप कन्वर्ट क्या करना है मल्टीप्लाई करना है सिंपल, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। अधिकतर यही जो आपका डिस्क्रिप्टिव में आएगा हमेशा ये आता है नंबर दे देगा उसको कन्वर्ट करने के लिए देगा, बहुत सरल होता है, और एग्जैक्ट नंबर अगर सही कर लिया तो एग्जैक्ट नंबर 15 नंबर या 10 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक 5 नंबर में भी आता है, ठीक। तो अपनी हम लोग लेक्चर 70 में समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में नंबर सिस्टम को और आगे बढ़ाएंगे।
ठीक है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से ऑक्टल, ये कैसे होगा इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक लिए थैंक यू सो मच, अधिक से लाइक करिए, सब्सक्राइब, शेयर करिए। और आपको बताना चाहते हैं, नंबर सिस्टम के बाद आईटी टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम की क्लास यूट्यूब पे आना बंद हो जाएगी, वो क्लास आपको केवल पेड वाले ही पैकेज मिलेगी, जो कि आप BinaryTube, हमारा जो वेबसाइट है BinaryTube.in, पे जाके आप उस लेक्चर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या कोर्स को आप सब्सक्राइब या परचेज करके पूरी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, प्लस नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। आने समय मॉडल वेबसाइट लॉन्च होंगे, ठीक, अगर डेमो देखना है वीडियो का, नोट्स का या मॉडल पेपर का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल BinaryTube प्रयागराज ठीक है BinaryTube प्रयागराज भी जाके आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे जो भी वीडियो आती है उसमें एक एक कॉपी उसकी उसकी पोस्ट होती है। और अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए, कुछ पूछना है, तो 8318119800 पे भी आप व्हाट्सएप करके, कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करके भी आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर नेक्स्ट लेक्चर हम लोग लेक्चर 18 में हम लोग नंबर सिस्टम की अगली क्लास में आपसे मिलेंगे।